મહિલા સશક્તિકરણના સંદેશને લોકો સુધી પહોંચાડવા માટે એનસીસી ગર્લ કેડેટ્સ કન્યાકુમારીથી દિલ્હી સુધી સાયકલ પર સવાર થઈ છે. સફર મેં હમને તમિલનાડુ, કેરલા, કર્ણાટકા, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર से होते हुए गुजरात में 31 दिसंबर 2000 हम एनसीसी के कैडेट्स हैं. हम सारे गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं और जी हम गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं और एनसीसी ने 75 वर्ष पूर्ण किए हैं, जिसके भाग रूप ये एनसीसी की पीएम रैली होती है, जिसके सेलिब्रेशन के भाग रूप ये मेगा साइक्लेथॉन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम 13 गर्ल्स कैडेट हैं जो सूरत और गुजरात को वडोदरा को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है. हमारा रूट स्पेशली जो साउथ में कन्याकुमारी से कर्नाटक जो रूट है वो पूरा वेस्ट कोर्स में है. लाइक हम सारे समंदर के रास्ते से ही हम चले हैं. इसके दौरान हम जब आगे जाते तब हम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली में जाएंगे. दिल्ली हमारा एंड रूट है. हमारा ऐसा नॉर्मल ऐसा हमारा शेड्यूल ऐसा रहता है कि हम दिन में अब तक की हमारी एवरेज है 108 किलोमीटर प्रतिदिन. इसके दौरान हम हमारा सुबह से स्टार्ट हो जाते हैं हम, और बीच में हमारा ब्रेकफास्ट होता है. हम एवरेज के साथ स्पीडिंग करते हैं और जिसके दौरान हम दोपहर तक का 12 से 1 बजे तक हमारी राइड ख़त्म हो जाती है. उसके बाद हम रिफ्रेश होके नए नए जो वहाँ के प्लेसेस है, एज हम एनसीसी कैडेट्स हैं हमें डिफेंस का जानने में बहुत दिलचस्पी है, इसलिए हम उनकी विज़िट करते हैं. हमने ऐसी कई विज़िट की है जिसमें इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला, कमांडो ट्रेनिंग स्कूल बेलगावी, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवासला, तदुपरांत हम जो शिप है कोचिन शिपयार्ड उसकी मुलाकात की है, INS विक्रमादित्य और सबमरीन का भी हमने दौरा किया है. जी जैसे हम मैंने पहले बताया, ये महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है. ये महिला सशक्तिकरण नहीं, यह हम एक उदाहरण है कि महिला जो भारत की जो महिला है वो ऑलरेडी सशक्त है. भारत ने वो स्टेज गंवा दिया है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है. हम सारे एनसीसी के कैडेट्स हैं और एनसीसी बहुत महत्वपूर्ण संस्था है महिला सशक्तिकरण के लिए. और आज रिपब्लिक डे पे पूरा महिला शक्ति का एक रोल है 26 जनवरी को, इसी के भाग रूप है हम 21 जनवरी को हम दिल्ली पहुंच रहे हैं. 28 जनवरी 2024 को पीएम मोदी जी द्वारा हमारा पीएम रैली में फ्लैग इन हो जाए. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही उम्दा रहा है. हम सारे बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, साथ में बॉन्डिंग है, टुगेदरनेस है एक दूसरे के साथ, और नए नए लोगों से मिलने का जो मौका मिल रहा है. हमारा भारत देश एक बहुत अनेक विविधता में एकता वाला देश है, परंतु जो एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना है वो हमें देखने के मिली और उससे हम पूर्ण तरह से रूबरू हुए हैं. मुझे बहुत अच्छा लगा है क्योंकि मैं अपने आप को इतना प्राउड फील कर रही हूँ कि आप पूछे मत. और मेरी बेटी पहले से ही बहादुर है और इतनी बहुत छोटी उम्र में उन्होंने साइकिल सीखी है और साइकिल पे ही जा रही थी पहले से ही. दूसरी कक्षा में पढ़ती थी तभी से वो साइकिलिंग कर रही थी, तो मुझे अच्छा लगा है. मैं भी महिलाओं के साथ ही पहले काम करती थी एनजीओ में, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मेरी बेटी भी उसी रास्ते पे आगे जा रही है.